हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम जायका एक्सप्रेस में एक रेमेडी बनाने जा रहे हैं। वो है बाल के लिए, तो आपको रातों रात ये बाल घना करेगा, लंबा करेगा और झड़ता हुआ बाल को रोक देगा। तो चलते हैं, देखिए ये हम प्याज ले लिए हैं, तो आपको जितना तेल बनाना है उसके हिसाब से आपको प्याज, लौंग और अदरक लेना है। हमको एक प्याज कट कर लिए हैं, तो हम यहाँ पर रख लिए दिखाने के लिए कि हम एक प्याज कट करके रखे थे। तो आपको जो दो चार छः जितना बनाना है वो हिसाब से आप कट कर लीजिए। और यहाँ पर हम लौंग ले लिए हैं, ये 40-50 लौंग होगा, तो इसको डालना है। जितना डालिए, आधा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लौंग ले लिए हैं, 1 इंच का अदरक ले लिए हैं। तो चलते हैं अब हम रेमेडी बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जैतून का तेल है, आधा प्याली ओलिव ऑयल ले लिए हैं। तो यहाँ पर हम आपको नारियल तेल में बनाना है तो नारियल तेल लीजिए, या मस्टर्ड ऑयल लीजिए, या जो भी आपको तेल पसंद है वो ले लीजिए। तो हम यहाँ पर जैतून का तेल ले लिए हैं। यहाँ पर देखिए ये, इसको पहले प्याज को डाल देना है इसमें, तेल में पहले प्याज को डाल देना है। उसके बाद आपको जितना लौंग डालना है उस हिसाब से लौंग डालिए। तो हम इतना लौंग डाल देते हैं आपको। और ये जो अदरक है, तो ये बाल का मेन चीज़ है, तो ये बाल को बहुत अच्छा ही इन्फेक्शन से दूर करता है। बाल जहाँ झड़ा हुआ रहता है वहाँ बाल को निकलने में मदद करता है। जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर आपको बाल उगा देगा ये। तो इस तरह से आप छोटा छोटा पीसेज में काट लीजिए, पतला पतला। तो हम थोड़ा से तेल बना रहे हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा से अदरक भी डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लीजिए इस तरह से, और 2 दिन तक इसको, 2 या 3 दिन तक आप इसको धूप में रखिए। धूप में रखने के बाद इसको प्याज को निकालना है, निकाल दीजिए, या इसी बोतल में भी रख सकते हैं। तो इसमें हम बोतल में प्याज और रेमेडी को ढाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तेल ढालते समय थोड़ा तेल गिर गया था, तो रिकॉर्डिंग करना पड़ता है खुद अपने से, तो इसीलिए थोड़ा तेल गिर गया था, तो इसको थोड़ा से वीडियो कट करके हम साफ किए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम तेल में प्याज और लौंग अदरक को डाल चुके हैं। तो इसको अब 2-3 दिन तक आप धूप में रखिए, शाम में आपको छाँव में ला कर रख दीजिए रूम टेम्परेचर पर, और इसको इस्तेमाल कीजिए। देखिए ये कितना अच्छा तेल पक के तैयार हो जाएगा। तो हम इसको अभी बंद करके इसको धूप में रखने जा रहे हैं, तो फिर धूप में से लाएंगे। 3 दिन तक इसको धूप दिखा लिए फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप लोग भी इसको सुबह में रख दीजिए छत्ते पर या बालकोनी में, तो और शाम में अपने रूम में रख दीजिए। तो देखिए ये पक के तैयार है तेल, अब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको देखिए, इसका कलर देखिए, इसका कलर देखिए, इसमें गाढ़ापन आ गया है। तो इस तरह से आप तेल को बनाइए और बाल में लगाइए, बाल आपका घना, मजबूत, खूबसूरत, मुलायम सब हो जाएगा, 1 हफ्ता 1 दिन का अंदर हो जाएगा। तो फिर से आप बनाने का कोशिश करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप कहाँ से वीडियो मेरे देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे दूसरे रेमेडी बनाने के लिए। तब तक थैंक यू, बाय बाय। तो मेरे लाइक देना ना भूलिएगा।